निर्माण कार्यों एक जिला एक उत्पाद व निराश्रित गौवंश योजना की मंडलीय समीक्षा बैठक मंडलायुक्त जयंत नानिकर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मंडलायुक्त ने बैठक में अनुपस्थित रहने पर CNDS 14 के अधिकारियों एवं क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कार्यों को समय से पूरा करें। मंडलायुक्त ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी भी निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण करते रहें। मंडलायुक्त ने महाराजगंज जनपद में महामाया छात्रावास का कार्य मानक के अनुरूप न होने पर CDO महाराजगंज के निर्देश दिए कि TAC से जांच कराकर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट दें। मंडलायुक्त ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद में चयनित उत्पादों के शिल्पकारों को बैंक समय से ऋण उपलब्ध कराए तथा उपायुक्त उद्योग उनके प्रशिक्षण आदि की भी व्यवस्था करें। मंडलायुक्त ने रामगढ़ताल के पास ODOP के अंतर्गत चयनित टेराकोटा के लिए दुकानों को भी आवंटित कराने के निर्देश दिए। गौवंश की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि जो भी पशुपालक काना उपवन या अन्य जगहों पर रखे पशुओं को पालन हेतु लेना चाहते हैं तो पशुओं को टैगिंग कराकर उन्हें सुपुर्द किया जाए। साथ ही निराश्रित गौवंश योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए ब्लॉकों तहसीलों में इसके बैनर भी लगवाए जाएं। बैठक में सभी जिलों के CDO संयुक्त विकास आयुक्त उप निदेशक अर्थ एवं संख्या सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कभी से प्रशासन स्वीकृति मिल गई है देवरिया को छोड़ के 2019-20 के लिए जो है विधायक पूंजी सांसद पूंजी सांसद मतलब राज्यसभा लोकसभा और विधायक मतलब इनसे ही हम लेकिन यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका इनॉग्रेट कर रहे हैं तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि सारी तरह से पूर्ण हो हो गया।